अगर वो सॉल्व होंगी सारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस, बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है जिसका वेट है 10 न्यूटन, जब उसे मेजर कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, तब हमें कह रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा जब उस ऑब्जेक्ट को हम मेजर करेंगे मून के सरफेस पे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दिया है 10 न्यूटन। अब जैसा कि हम जानते हैं जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मून के सरफेस पे वो होता है 1/6 टाइम्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जितना वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस पे उसका 1/6 टाइम्स वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के सरफेस पे। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट का वेट पता करेंगे मून के सरफेस पे। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है मून के सरफेस पे उसे हम डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1/6 टाइम्स हो गया। जो हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे उसे हम डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में पहले से ही ऑब्जेक्ट का जो वेट है दिया है अर्थ के सरफेस पे वो 10 न्यूटन है अपॉन ये 6 हो गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.67 न्यूटन। सो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा जो डब्ल्यू एम है यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, उसकी वैल्यू आएगी 1.67 न्यूटन। सो ये हमारा आंसर होगा, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.67 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर।